प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? देश के अंदर भगवा आतंकवाद चरम सीमा पर जा चुका है, और हम इसे भगवा आतंकवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि गेरवा कपड़ा गले में डाल करके जो दलित समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है। राजस्थान के उदयपुर में देख लीजिए, लव जिहाद के नाम पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की नृशंस हत्या कर दी गई, और फिर वो संगठन उस हत्यारे के पक्ष में उतरते हैं, उसको पैसों पैसों में उसको समर्थन करते हैं, रोड पर उतरते हैं, और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि कोर्ट के ऊपर तिरंगा जो लहरा रहा होता है, उस तिरंगे को हटा करके ये भगवा ध्वज लहराने का काम करते हैं। क्या ये देशद्रोह का कार्य नहीं है? क्या ये भगवा आतंकवादी नहीं है? भगवा आतंकवाद जैसे आज पूरे देश में अपनी चरम सीमा पर जा चुका है, हर इंसान को, हर उस मानवतावादी आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, और हर बहुजन के हर नागरिक को आज घरों से बाहर निकल कर आना होगा। नहीं तो आज देश के अंदर जैसे मनुस्मृति दहन दिवस है, आज जिस तरीके से इन लोगों ने ऐसा मनुस्मृति में जो लिखा गया, जो कहा गया, वही आज भी ये लोग, वरना बलात्कार नहीं होते, आज भी ये लोग जो है मनुस्मृति के तहत ही चलते हैं, उसी की विचारधारा पर चलते हैं, तभी देश के अंदर बलात्कार होते हैं। मनुस्मृति की विचारधारा पर चलते हैं तभी लोगों को गाय के नाम पर मारा जाता है, काटा जाता है, लव जिहाद के नाम पर मारा जाता है। जब दूल्हे घोड़ी पर चढ़ते हैं तो घोड़ी से उतारा जाता है, उनको पीटा जाता है। अगर इस देश में संविधान है तो संविधान को खत्म करने के लिए जो ये बीजेपी की सरकार साजिश से रच के आरक्षण खत्म कर रही है, और साथ में संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, संविधान के तरीके से नहीं चलती है, हमारे लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, लोगों को दबाया जाता है, मारा जाता है, कुचला जाता है, मनुस्मृति का राज लाने की जो तैयारी चल रही है, और आज भी जो ये आगे आने वाले समय में कह रहे हैं कि कल्कि का अवतार होने वाला है, अरे शर्म आनी चाहिए। इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया था बाबा साहब ने, और उस लोकतंत्र को हम यूं खत्म नहीं होने देंगे। उस लोकतंत्र जो बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान के तहत चलना होगा, इसलिए इस मनुस्मृति को जड़ से मिटाना बहुत जरूरी है। नवाब सतपाल तंवर जी, आज का ही दिन आपने क्यों चुना? ये बाबा साहब ने उस क्रांति की शुरुआत की थी, जितने युवा साथी आज इकट्ठे हुए हैं, एक अकेला सतपाल तंवर कुछ नहीं कर सकता, एक अकेले हमारे भाई जितने भी साथी खड़े हैं, हमारी बहन जी खड़ी हैं, एक अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबको निकल के आना होगा। इसलिए आज ही का दिन चुना गया, क्योंकि ये वही दिन है जब बाबा साहब ने हमारी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके मनुस्मृति का दहन किया था। 1927 की बात है, 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन करके हमारी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, और उन्होंने बता दिया था कि जो हमारी गुलामी का कारण है और हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों का जो कारण है वो यह मनुस्मृति ही है, जो मनु के द्वारा एक गंदी किताब लिखी गई, गंदे कानून बनाए गए। आज वो वही दिन है जो बाबा साहब ने हमें दिया था, और हर साल मनेगा। आज हम इकट्ठा हुए, रोड पर आए हैं, कल पूरा देश उठ करके आएगा।